स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? हेलो मैम, आई एम फाइन मैम, एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू. आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश सेशन. टुडे वी विल रीड पार्ट ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टोरी. बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टोरी? प्रिया, when the dog of pumpkin. Yes, the dog of pumpkin. Yes, beta, written by Arun. Written by Mahak. Ma'am, Lois Untermeyer. Yes, Lois Untermeyer. Okay. Yes, ma'am. Yes, beta. So I am going to share your book. Beta, I hope सभी को book दिख रही होगी. Yes, ma'am, I'm दिख रही. Yes, ma'am. So last day हम लोगों ने क्या क्या read किया था? हम लोगों ने कि जो टीटो था वो पॉम्पी में मींस टीटो वाज अ ब्लाइंड ब्लाइंड बॉय. सो वो कुछ भी ही इज अनेबल टू सी एनीथिंग. वो कुछ भी देखने में असमर्थ था. एंड बहुत सारे इन कह सकते हैं पॉम्पी टाउन्स में बहुत सारे गेम्स होते थे. एंड वो क्या करता था? अपने नोज एंड ईयर से केवल वो सुनता था और स्मेल सूंघ करके पता लगा लेता था कि सिचुएशन क्या चल रही है. ठीक है, यस बेटा. तो बेटा, सभी को मेरी वॉइस क्लियर जा रही है ना? यस मैम. यस मैम. यस, तो लास्ट डे वी कुड रियली सी मोर विद लास्ट टाइम लोगों ने किया था कि वो जो है अपने ईयर और कान से सुनता था. अपनी जो आईज का वर्क है वो अपने ईयर से और नोज करके और स्मेल करके वो जान जाता था कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है. देन ही एंड बिम्बो वेंट आउट वॉकिंग. जब बिम्बो एंड ही मींस टीटो वॉकिंग के लिए जाते थे तो ही मींस they were going कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे, and exactly what was happening और क्या हो रहा है. Understood? Yes, ma'am. Yes, beta. तो one day he was walking off Pompey की गलियों में. एक दिन क्या हो रहा था कि मतलब तो अचानक से He did sniff and say, उसने sniff किया. उस सुना and says और बोला क्या ही they passed a handsome villa. बेटा, जो टीटो था was blind और वो sniff करके या ना and वो जान गया कि they passed a handsome villa. वो एक खूबसूरत पास से एक कह सकते हैं बंगले के पास किला में बंगला बहुत ही खूबसूरत बंगले के पास से रहे हैं. एंड ग्लाकस पेंसा इज यंग डिनर टुडे. और ग्लाकस पेंसा इज अ पर्सन हु इज गिविंग मेरी वॉइस क्लियर नहीं जा रही है. अविरल. यस मैम. मैम, बेटा वॉइस नहीं क्लियर जा रही है ना? सुन पा रहे?
मेरी बात को? यस मैम। ओके, तो क्या हो रहा कि जो ग्लॉकस पेंसा है वो उसने पार्टी दी है, ग्रैंड डिनर, बहुत ही अच्छी पार्टी। बेटा सभी को मेरी वॉइस जा रही है ना? महक, अविरल सुन पा रहे हैं मेरी वॉइस को? यस मैम, यस मैम। वन सेकंड, मैं नेटवर्क चेक कर लूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ यस यस ओके। तो बेटा सभी को मेरी वॉइस क्लियर, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर जा रही होगी आई होप। तो ग्लॉकस पेंसा इज गिविंग अ ग्रैंड डिनर पार्टी। ग्लॉकस पेंसा ने बहुत ही अच्छी पार्टी आज की दी है। ये इस बात को उसने सोच करके जान लिया, टीटो स्निफ किया टीटो ने, और वो समझ गया कि इस विला में बहुत ही अच्छी शानदार पार्टी होने वाली है। दे आर गोइंग टू हैव थ्री काइंड ऑफ ब्रेड। यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलने वाली है? काइंड ऑफ ब्रेड, तीन प्रकार की ब्रेड एंड रोस्ट, रोस्ट की हुई पिगलिंग, नमकीन एंड स्टफ भरे हुए गूज एंड ग्रेट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्ट्यू, स्ट्यू मीन्स मुरब्बा, आई थिंक बियर स्ट्यू एंड फिग पाई। फिग पाई कह सकते हैं आइटम, फूड फूड आइटम है ये। फिग पाई मीन्स कह सकते हैं अंजीर के पीसेस, अंजीर के टुकड़े, अंजीर इज अ फिग इज अ फ्रूट, है ना? तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे फूड आइटम थे। एंड बिम्बो नोट, बिम्बो ने नोट किया, बिम्बो ने क्या नोट किया कि दैट दिस वुड बी गुड प्लेस टू विजिट टुमारो। यहाँ कल आने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, कल अगर मैं आऊंगा तो बहुत ही अच्छी मेरी पार्टी हो जाएगी, ऐसा बिम्बो ने सोचा। बिम्बो ऐसा क्यों सोचता था कि टीटो के सारे वर्क, सारी भी जितनी भी नीडेड थी, जितनी भी उसकी जरूरतें थी, वो सब बिम्बो पूरी किया करता था, है ना? किसी के घर से ले आता था, कोई उसे दे देता था, किसी से वो छीन लाता था। बिम्बो बेटा हु इज बिम्बो? बिम्बो कौन है? महक डॉग है। ओके, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि आई थिंक मैं यस ओ ओ एम टीटो वुड टीटो वुड मैमर, मैमर मीन्स होता है बड़बड़ाना, मीन्स जो टीटो है वो अपने आप में बड़बड़ा रहा है। हाफ तो हिज लिप्स, उसके जो आधी लिप्स हैं वो उन्हें बाहर करता है ओंठों को, एंड हाफ जो इस नोजिस वो अपने आधी नाक को मीन्स सूंघने की एक्टिविटी करता है। हाफ मीन्स जीप से वो ऐसा जैसे हम उसको लालच हो गया हो किसी प्रकार का, इस तरह से वो बिहेव करता है। एंड नाक से वो सूंघ करके बताता है द वाइफ ऑफ मार्कस, द वाइफ ऑफ मार्कस, लुक लुक कैरिकस कैरियस इज अपेस्टिंग हिज मदर। जो मार्कस लुक कैरियस है is the attesting his mother, वो अपनी माँ से क्या कर रहा है? अपेक्षा कर रहा है। she is seeking out every pieces of goods in houses. वो क्या कर रही है? जो wife of Marcus, Marcus की जो wife है वो अपनी माँ से एक अपेक्षा कर रही है, और हर चीज को वो जो है घर की सारी चीजों को उलट पलट रही है। seeking means उलट पलटना, इथर बिथर कर देना, seeking out. And हेलो बेटा, सभी को मेरी वॉइस जा रही है ना? यस मैम। यस बेटा,
सम नेटवर्क इश्यूज थे. तो देखते हैं आगे क्या होता है. तो जो मरकस की वाइफ थी वो अपनी माँ की अपेक्षा करती है और घर की सारी चीजों को उलट पलट कर देती है. He was going to use a best cloth. वो अच्छे कपड़े को बनाने जा रही थी, सिलने जा रही थी. He was going to use the best cloth. The ones he been keeping are pins, needles and camphor. वो ऐसा ऐसे कपड़े को सिलने वाली थी जिसमें he was keeping वो रखेगी. Please keeping वो रखेगी. क्या रखेगी? Needles and camphor. सुई को और camphor means कपूर को. वो इन सारी चीजों को उस थैले में कपड़े से वो एक क्लॉथ से एक थैला बनाएगी और उसमें इन सारी चीजों को रखेगी. एंड देयर आर एक्स्ट्रा गर्ल्स इन द किचन. और किचन में एक एक्स्ट्रा गर्ल भी है. देखिए कौन कौन है घर में. वाइफ है. बेटा स्टोरी देखिए क्या है. ये लोग रात क्या ये सोच रहे हैं. बिंबो ये सोच रहा है कि आज कल वाली कल का जो दिन होगा मेरे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमारे लिए जो ग्लास्कस तांसा है उन्होंने पार्टी रखी है, सभी को बुलाया है. तो मैं भी इसमें आऊंगा, मेरे लिए अच्छा विजिट होगा. एंड इस पर जो है जो किटू है वो बड़बड़ा रहा है अपने आप से. क्या कह रहा है? उसके लिप्स जो है वो लालच की वजह से गीले हो जाते हैं. होठों को अपने वो लिप्स को अपने टंग से क्लिक करता है, चाटता है. एंड हाफ थ्रो हिज और अपनी नोज से आधा वो स्निफ करता है, मीन्स थोड़ा सा सूंघता है. सूंघ करके वो समझ पाता है कि यहाँ कुछ मर्मिंग हो रही है, कुछ बातें हो रही हैं. क्या सुन रहे हैं ये लोग? साइड वाले होम में साइड का एक घर है जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं स्ट्रीट में. तो आवाजें आ रही हैं. आवाज क्या आ रही है? जो मरकस वाइफ है वो अपनी जो मदर है मरकस की उनको इग्नोर कर रही है, उनकी अपेक्षा करते हुए घर की सारी चीजों को उलट पलट रही है और वो क्लॉथ बनाने जा रही है. अंडरस्टूड? समझ पा रहे हैं सभी? बेटा सभी को मेरी वाइफ जा रही है ना? यस मैम. यस बेटा. यस मैम. अब इसे क्या होता है कि वहां पर उस किचन में उनकी किचन में एक और लड़की है. There's an extra girl in the kitchen. Come Bimbo, let us. अब देखिए किचन में एक और भी लड़की है. इतनी बातें जान करके टीटू क्या कह रहा है? कम बिम्बो, बिम्बो आओ, लेट अस गेट आउट ऑफ द, चलो हम लोग धूल में खेलते हैं. समझ रहे हैं? ये सारी बातें दूसरे के घर की थी. ये लोग जैसे हम कहीं स्ट्रीट में खड़े हो और कहीं जा रहे हो तो हमें क्या साइड वाले घर की आवाजें आने लगती हैं और हम सुनने में मजबूर हो जाते हैं जब बार बार हमारे कानों में वॉइस पड़ती है ना? समझ रहे हैं सभी? यस मैम. यस मैम. सेम सिचुएशन यहाँ पर टीटो और बिम्बो को भी थी. वो लोग रोड पर खड़े हुए थे और पार्टी के बारे में सोच रहे थे कि नेक्स्ट डे पार्टी है तो उनके कानों में वॉइसेस ज्यादा जाने लगती हैं. तो आफ्टर दैट फिर क्या होता है? कम बिम्बो एंड लेट अस गेट आउट ऑफ द डस्ट. चलो डस्ट में चलते हैं. और फिर क्या होता है? दे पास अ स्मॉल बट एग्रीएंट डॉलिंग अपोजिट द पब्लिक. फिर पब्लिक बात होता है सामूहिक स्नानागार. बेटा देखते ना सार्वजनिक सुलभ स्नानागार एंड टॉयलेट रूम वगैरह साइड में बने होते हैं, सभी ने देखा होगा रोड साइड, है ना? यस मैम. यस. तो यस मैम. यस बेटा. तो अब वे क्या करते हैं? एक बहुत से बड़े कह सकते हैं दे पास भी गुजरते हैं. बेटा दे पास दे मीन्स बिम्बो एंड टीटो. ओके. तो दे पास द स्मॉल एक छोटे से एंड एलिजेंट कह सकते हैं शानदार ड्वेलिंग मीन्स होम या कह सकते हैं बिल्डिंग. तो छोटे से लेकिन शानदार घर
के पास से वो गुजरते हैं जो अपोजिट दूसरी तरफ है पब्लिक बाथ के, पब्लिक बाथ के जो दूसरी तरफ है मीन्स अपोजिट साइड में है वो उस तरफ से गुजरते हैं। टू बैड, कितना बुरा है। द ट्रेजिक पोइट इज इल अगेन। ट्रेजिक पोइट बेटा आप लोग अब ये क्या देख रहे हैं टीटो एंड बिम्बो कि एक जब वो पब्लिक बाथ के दूसरी साइड से जाते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि वो क्या सुनते हैं, देख पाते ही नहीं, केवल बिम्बो ही देख पाता है तो उसने क्या देखा। टू बैड, बहुत गलत बात है। द ट्रेजिक पोइट इज इल अगेन। ट्रेजिक पोइट कौन होता है? Who writes living things? जो जीवित चीजों का सचित्र वर्णन करता है and कह सकते हैं many types की असमय वो जो किसी बड़े हीरो के बारे में लिखता है। ट्रेजिक पोइट जो बिना समय देखे ही किसी के बारे में राइट करने लगता है तो वो ट्रेजिक पोइट होता है। तो लोग कहें बहुत बुरी बात है, ट्रेजिक पोइट फिर से बीमार हो गया। इट मस्ट बी अ बैड फीवर दिस टाइम, इसे बहुत बुरा बुखार है इस समय। फॉर दे आर ट्राइंग स्मोक कम्स इनसाइड फॉर मेडिसिन। ये क्या करता है? स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है इनसाइड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन लेने के बजाय ये ट्रेजिक जो पोइट है ये स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, इसलिए ये बीमार है। समझ रहे हैं बेटा सभी? यस मैम। दूसरी साइड उसने देखा कि जो ट्रेजिक पोइट है वो बीमार है और उसे बुखार है जो उतर नहीं रहा, तो कह रहा है ये बुखार इसलिए है क्योंकि दवा लेने के बजाय ये क्या करता है, स्मोकिंग करता है। वाओ आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम नॉट ए ट्रेजिक पोइट। मैं अब देखिए टीचर क्या कह रहा है कि आई एम ग्लैड, मैं मुझे बहुत खुशी है कि मैं ट्रेजिक पोइट नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी स्मोकिंग करता और मैं भी बीमार रहता। Understood? बेटा yes, ma'am. को भी समझ में नहीं yes, ma'am. तुरंत बोलेगा कि मेरी समझ में ये पैसेज नहीं आ रहा है, मैं फिर से बताऊंगी। ओके यस मैम। बेटा और या फिर दे नियर द फोरम। फोरम मीन्स कह सकते हैं फोरम इज अ मंच, स्टेज, जहाँ पर सभी लोग स्टेज, वो स्टेज होता है जिसे जहाँ पर लोग परफॉर्म करते हैं, बट फोरम इज ए जहाँ पर लोग डिस्कसिंग करते हैं। समझ रहे हैं ना? यस। तो दे यस मैम, आपको क्या थे, फोरम के निकट थे, मंच के निकट थे। And mom, what good things they have in the mass club? What good things? कितनी अच्छी चीज है। अब देखिए ये लोग हैं तो फोरम के निकट, बातचीत हो रही है, सभी सुन रहे हैं, लेकिन ब्लाइंड थे। एंड जो बिम्बो है वाज़ा एनिमल्स कह सकते हैं, तो उसके पास इतनी जो कह सकते हैं माइंड नहीं था, इतना थिंकिंग पावर नहीं था। सो क्या हो रहा है कि व्हाट गुड थिंग्स, अब आवाजें सुनकर क्या समझ रहे हैं ये लोग, दे हैव इनफ मैस्कलम, कि ये लोग एक मंडी में, मैस्कलम मीन्स मंडी जिसे कह सकते हैं सब्जी मंडी, जहां पर वेजिटेबल्स वगैरह मिलते हैं। तो व्हाट गुड थिंग्स, कितनी अच्छी चीज है, दे हैव इन द मैस्कलम टूडे, आज वो मंडी में है। इट रियली शॉर्ट ऑफ बचलर ग्रोसर मार्केट प्लेस। वास्तव में ये कोई फोरम नहीं था, ये कोई मैस्कुलम नहीं था, ये क्या था, आवाजें आ रही थी, बचलर मीन्स कह सकते हैं जहाँ बूचड़ जो होते हैं, जो कह सकते हैं कसाई लोग। तो ये कसाई लोगों का मार्केट प्लेस था, वहां से ये आवाजें आ रही थी। महक समझ पा रही हैं आप? Yes, ma'am. तो ये आवाज जो आती किसी फोरम की नहीं थी,
किसी मंडी की आवाज नहीं थी, ये वास्तव में ऐसी जगह की आवाजें थी, मार्केट प्लेस ही था, मगर यहाँ पर मीट वगैरह की दुकान। तो जो कसाई लोग थे वो आवाजें कर रहे थे, शोर कर रहे थे, बट टीटो डिडंट नो एनी बेटर। लेकिन टीटो जो है वो इन चीजों को नहीं जानता था, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, वो देख नहीं पा रहा था, केवल आवाजें सुन पा रहा था, और आवाजें भी कैसी थी अभी देखिएगा आप लोग। तो ही कॉल्ड इट द मैस्कुलम, वो इसे क्या कहता है, मंडी कहता है, क्योंकि वो इन चीजों को नहीं जानता कि यहाँ पर क्या बिक रहा है, केवल वो सुन रहा था। तो सुनने में आवाजें क्या रही थी, डेट फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका की खजूर ले लो, मिल रहा था मीट और आवाजें कर रहे थे, चिकन मटन की बजाय ये लोग आवाज कर रहे थे, डेट्स फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका की खजूर ले लो, एंड साल्ट ऑयटर फ्रॉम द सी केव्स, सी केव्स मीन्स कहते हैं समुद्र की गुफाओं में से निकले हुए साल्ट एंड ऑयटर, ऑयटर मीन्स कह सकते कस्तूरी, कस्तूरी आप लोग सुना होगा, बहुत ही अच्छी चीज होती, बहुत ही महत्ती है कस्तूरी। तो कह रहे नमक और कस्तूरी सी कैप्स के ले लो, एंड कटर फिश ले लो, एंड न्यू हनी शहद ले लो, स्वीट ऑनियन मीठे मीठे प्याज ले लो, एंड आव बटर बफालो स्टिक। अब देखिए जिसने कहीं ऐसा कुछ कहा ही नहीं क्या चिकन एंड मटन मिल रहा है, तो जो बिम्बो था, बिम्बो तो समझ रहा था, लेकिन जो टीटो था वो ये समझ रहा था कि हम मैस्लम में है, मैस्लम में है, तो मैस्लम इज अ मंडी, ऑनियन स्वीट डेट्स साल्ट ये सारी चीजें तो मार्केट में मिलती हैं, तो वो समझ रहा था कि ये मंडी है, एंड कम लेट्स सी व्हाट इन द फोरम, आओ देखते हैं इस मंच में क्या क्या चीजें हैं। एंड बिम्बो, बिम्बो जस्ट अ क्यूरियस ऑफ हिज कॉमरेड मीन्स कह सकते हैं कंपेनियन, तो बिम्बो उसका कंपेनियन था, क्यूरियस था, वो भी जिज्ञासु था, पूरी तरह से उसके अंदर जिज्ञासा थी ये देखने की जो आवाजें आ रही हैं, फिर ये बिक क्या रहा है, क्या मिल रहा है। तो हरीड़ा को जल्दी जल्दी उसके साथ जाने लगा। बाइंग अ डॉग, एक कुत्ते की तरह, ही ट्रस्टेड हिज ईयर एंड नोज लाइक टू, वो ऐसे भरोसा करता, इस तरह से बिहेव करता अपने नाक पर और कानों पर, जैसे चीटों को अपनी आंख उस पर विश्वास था, उसी तरह ही मोर देन हिज आईज, एंड सो द टू ऑफ देम एंटर्ड द सेंटर ऑफ द पॉकेट, और वो दोनों अपने नाक पर और कानों पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए पॉम्पी के सेंटर में पहुंच जाते हैं। अंडरस्टूड? बेटा सभी तो मेरी बात जा रही है? अरुण? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द फोरम वॉज द पार्ट ऑफ द टाउन टू विच एवरीबडी कम एट द लीस्ट वन ड्यूरिंग द डे। फोरम जो था वहां पर क्या होता था, पार्ट ऑफ टाउन, टाउन का एक हिस्सा था ये फोरम, एंड विच एवरीबडी केम टू लीस्ट वन ड्यूरिंग द डे, और कस्बे में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक बार दिन में यहां जरूर आता। इट वॉज सेंट्रल स्क्वायर, ये क्या था, सेंट्रल स्क्वायर था, मीन्स कह सकते हैं केंद्र, स्क्वायर मीन्स चौकोर, मीन्स चारों तरफ का ये केंद्र था, सेंट्रल था, मीन्स यहाँ उस पॉम्पी के हर साइड से लोग, हर तरफ से लोग यहाँ पर आते थे। The everything happened here, और यही पर सब कुछ होता। अरुण आपको मेरी आवाज जा रही है ना बेटा? तो
देयर वर नो प्राइवेट हाउसेस, यहाँ पर कोई प्राइवेट रूम नहीं था, ऑल वॉज पब्लिक, सब सभी सार्वजनिक था, सारी जगह सार्वजनिक थी. द चीफ टेम्पल्स, यहाँ पर मुख्य मुख्य मंदिर थे, एंड गोल्ड एंड रेड बाजार, यहाँ गोल्ड एंड रेड मीन सोने चांदी के बाजार भी थे. सिल्क शॉप मीन्स सिल्क रेशमी दुकानें थी, रेशम की दुकानें थी. टाउन हॉल था, एंड बोथ बिलोंगिंग टू द वीवर्स एंड ज्वेल्स मर्चेंट. और ये वीवर्स मीन्स कह सकते हैं जुलाहे, जो कपड़े बुनते, तो जुलाहों से. एंड ज्वेल मीन्स कह सकते हैं जेवरात मर्चेंट, जो जेवरात के व्यापारी होते थे. ये दोनों लोग बिलोंगिंग, इससे बिलोंग करते थे, मीन्स फोरम से. समझ पा रहे हैं सभी ना? यस मैम. यस. तो आफ्टर दैट द वेल्दी वूलन मार्केट, यहाँ पर क्या था? वेल्दी वूलन मार्केट था, समृद्ध वूलन मार्केट मीन्स जहाँ यहाँ पर ऊन, बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊन की बाजार थी. एंड श्राइन ऑफ द हाउस होल्ड गॉड्स, और कह सकते हैं श्राइन मीन्स पवित्र, हाउस होल्ड गॉड्स जो घर के भगवान होते थे, कह सकते हैं जो हम लोग घर में अपने मंदिर बनाते हैं, गॉड्स को रखते हैं, छोटे छोटे से आइडोल रखते हैं बेटा, जो घर की पूजा होती है और टेम्पल की पूजा होती है, दोनों में डिफरेंस होता है ना. घर में हम पर डे गॉड को रखते हैं और पर डे पूजा करते हैं उनकी ना. तो ऐसे में जो हाउस होल्ड गॉड्स थे उनकी भी दुकानें थी, मीन्स लोग खरीदारी करते थे. एवरीथिंग ग्लैटर हियर, यहाँ हर चीज चमक रही थी, मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में दुकानें थी. और वन साइड क्या था कि जो कह सकते हैं मटन एंड चिकन की भी दुकानें थी. अंडरस्टूड मैम? बेटा सभी को मेरी आवाज आ रही? मैं सुन पा रही है ना आप मुझे? Yes. Okay. So the building looked as if they were new. The building looked, building को ऐसा बनाया गया if they were new, जैसे वो नए, उनका look ऐसा दिया गया, जो building थी वहां पर forum में, उनको ऐसा look दिया गया जैसे वो नई, which in the sense they were. Which means जो in the sense they were, जितना वो समझ सके, समझ के वो ये जान ले कि ये buildings जो है बिल्कुल नई है. The earthquake of 12 year ago. Earthquake means महक, earthquake means भूकंप. Yes. तो भूकंप जो आया था वो 12 साल पहले आया था, है ब्रॉट डाउन ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड सिंस सिटीजन ऑफ पंपी वर एम्प्रोटिस ऑफ द रिवर नेपल्स एंड इवन वोमेन रोम सॉरी इवन रोम. तो 12 वर्ष पहले अर्थक्वेक आया था जो ब्रॉट ले गया ऑल द स्ट्रक्चर्स, सारी इमारतों को, सारी चीजें जो बनी हुई थी उन्हें वो वहां ले गया, बर्बाद कर दिया उसने. एंड डॉमिनेंस गिर जाना, सारी चीजें ढह गई, गिर गई. एंड सिंस सिटीजन ऑफ पॉम्पी, और पॉम्पी के जो सिटीजन थे, नागरिक थे, वर एम्बिशंस ऑफ रिवल, वो प्रतिद्वंदी हो गए. क्या, किस तरह से प्रतिद्वंदी हो गए वो? वो एसेंट सिटी, नेपल्स में होता है एसेंट सिटी, एंड रोम, दोनों के प्रतिद्वंदी हो गए, रोम के एंड नेपल्स के. एंड दे वर साइज मींस से कह सकते हैं किसी चीज के लिए जिद करना. तो दे वर साइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिब्यूट द होल टाउन, उन्होंने जिद बना ली. कितने सिटीजन ऑफ पॉम्पी, पॉम्पी के नागरिकों ने ये अपनी जिद बना ली कि हमें रिबिल्ड फिर से बनाना है होल टाउन.
मीन्स अर्थक्वेक में सब कुछ बर्बाद हो गया, तो वहां के लोगों ने सोचा कि हम फिर से नए कस्बों को बनाएंगे, मीन्स नया कस्बा तैयार करेंगे. एंड दे हैड डन, और उन्होंने ऐसा किया भी आल विथिन अ डजन ईयर, और ऐसा करने में उन्हें वर्षों लग गए, मीन्स कई दर्जन साल, मीन्स 12 साल से भी ज्यादा लग गए. एंड देयर वाज स्कार्टली अ बिल्डिंग. अब देखिए, बिल्डिंग जो है वो बन गई मुश्किल से, स्कार्टली मीन्स मुश्किल से. अ बिल्डिंग वाज द ओल्डर देन टीके, लेकिन देयर वाज स्कार्टली अ बिल्डिंग, एक मुश्किल से एक ऐसी इमारत बच गई दैट वाज ओल्डर देन टीटो. वो जितने समय से टीटो वहां रह रहा था उतने समय से एक सभी को रिन्यू कर दिया गया, सब नए हो गए, बट एक बिल्डिंग बच गई जो टीटो के समय पर जैसी थी वैसी आज नहीं, मींस उसे फिर से रिबिल्ड नहीं किया गया, फिर से उसे नहीं बनाया गया. अंडरस्टूड? ओके, यस मैम. सारे नगर को पूरी तरह से फिर से रिमेरिमेट कर दिया गया, रिबिल्ड कर दिया गया, फिर से उनको बनाया गया, बट एक ही बिल्डिंग ऐसी बची जिसे छोड़ दिया गया, वो जैसे पहले था टीटो के समय में भी वैसे ही आज भी. टीटो हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द अर्थक्वेक. टीटो ने बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक के बारे में सुन रखा था. Being about a year at that time, लगभग एक साल पहले से ही टीटो अर्थक्वेक के बारे में सुन रहा था. He could scarcely remember it. उसे मुश्किल से ही कुछ चीजें याद थी अर्थक्वेक के बारे में. This particular quake had been a light one. एक हल्की सी दिखा थी, बहुत ही समय पहले आया था अर्थक्वेक. एंड जो टीटो था वो उसने सुन रखा था ग्रेट डील ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था. लेकिन थ्रू यद्यपि ही बीइंग अबाउट वन इयर्स, लेकिन इन एक वर्षों में एट द टाइम जो समय बीता ही कुछ मुश्किल से उसे कुछ ही चीजें याद, सारी चीजें वो भूल चुका था क्योंकि वो देख तो सकता नहीं था, केवल सुन सकता था. और जब हम कोई चीज सुनते हैं तो जब दूसरी चीज सुनते हैं तो पहली अपने आप ही कह सकते हैं कि रिमूव हो जाती है वहां से. तो सेम पोजीशन थी, सेम कंडीशन टीटो की भी थी. उसे एक हल्की सी तूफान की जो भूकंप आया था उसकी एक हल्की सी रेखा बची हुई थी, उसे याद था. एट द हार्ट ना अर्थक्वेक हो, जब अर्थक्वेक गया था. द वीकर हाउसेस हैड बीन सैग डाउन, जो कमजोर घर थे वो गिर गया था. अब टीटो को याद क्या क्या है कि जो कमजोर घर थे सैग डाउन, वो गिर गए थे. पार्ट्स ऑफ द आउटवर्न वॉल हैड बीन फ्रैग, जो बाहर की दीवारें थी वो क्या थी, हैड बीन, वो भी बर्बाद हो गई थी. बट देयर वाज अ लिटिल लॉस ऑफ लाइफ एंड brilliant new Pompey has taken the place of the old. अब यहाँ के brilliant लोगों ने, there was little loss life, जो कुछ जीवन बच गए थे, कुछ little loss of life, कुछ जीवन बर्बाद हुए, and brilliant जो बच गए थे, brilliant new Pompey has taken the place of new. उन्हें उन लोगों ने Pompey को नया रूप दे दिया. जो लोग बच गए थे उस तूफान में, उस भूकंप में, उन लोगों ने Pompey को नया रूप दिया. No one knew what caused these earthquakes. No one knew, कोई एक ही कोई नहीं जानता था कि अर्थक्वेक से क्या क्या नुकसान हुए. रिकॉर्ड्स को कोई एक ही व्यक्ति नहीं जानता था कि अर्थक्वेक से क्या नुकसान हुए. उसका तो पूरा रिकॉर्ड बना हुआ था. रिकॉर्ड्स तो रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि had happened in the neighborhood since the beginning of time. कि क्या हुआ था पड़ोस में जब बिगनिंग ऑफ टाइम, जब मीन्स कह सकते अर्थक्वेक का समय आया था, तो क्या क्या हुआ था. ये तो सारे रिकॉर्ड्स हैं,
sailor said, जो नाविक थे वो क्या करते हैं, that it was to teach the ladies the proper lesson and make them appreciate those who risk the danger of the sea, bringing the Patricius up to the town of the Nagar. तो अब क्या होता है, जो सेलर है वो बताते हैं कि लेजी सिटी फॉग मींस इस शहर के आलसी लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए ये तूफान आया है, जो भूकंप आया है वो सेलर कह रहे हैं कि इन लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए आया है, हु रिस्क द डेंजर टू द सी, और उन लोगों ने रिस्क लिया है समुद्र के खतरों से. The priest said, और जो priest होते हैं, पुजारी होते हैं, वो क्या कहते हैं, priest ने कहा कि that gods took this way of showing their anger to those who refused the worship properly. अब जो पुजारी थे वो ये कह रहे हैं ये भूकंप इसलिए आया है क्योंकि गॉड जो है वो नाराज है, because refused to worship properly, क्योंकि यहाँ की जनता ने properly में उचित तरीके से पूजा करने से refuse, मना कर दिया है. God की पूजा करने से यहाँ के लोगों ने मना कर दिया है. That's reason, जो पुजारी थे priest थे वो ये कह रहे हैं कि इसी वजह से ये भूकंप आया है कि God गुस्सा हो गए हैं, लोग नाराज हो गए हैं, यहाँ के लोग उनकी proper ढंग से पूजा नहीं करते. एंड यही बातें सेलर ने कही कि लोग आलसी लोग हैं, इनको पाठ पढ़ाने के लिए भूकंप आया है. एंड फिर देखते हैं अभी और भी लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं. एंड रिफ्यूज प्रॉपरली एंड हु फेल्ड टू ब्रिंग इनफ सैटिस्फाई एंड एल्टर्स, उनको जो बेदी होती है मीन्स पूजा बेदी, एल्टर मीन्स बेदी, उस बेदी पे सैक्रीफाइस मीन्स बलिदान करने के लिए वो तैयार नहीं रहते हैं, इसलिए ये भूकंप आया है. So they did not say it in so many words. Means कह सकते हैं they did not say it clearly. वो इसे साफ साफ नहीं कर रहे थे, but इसका मतलब क्या था वो अपने आप सो हो रहा था ऐसे words में कि लोग चाहते क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं. ये कोई ये कह रहा है कि मतलब ये बदला लेने के लिए गॉड की पूजा नहीं कर रहे थे इसलिए ऐसा हो रहा है. सेलर्स कह रहे हैं कि इन लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए भूकंप आ गया है. एंड प्रेजेंट ऑफ द प्रिस्ट द ट्रेड मैन, जो व्यापारी है वो क्या कह रहे हैं, दैट द फॉरेन मर्चेंट हैज द कैप्टर्ड ऑफ द ग्राउंड. अब जो करप्टर जो मर्चेंट है, फॉरेन के विदेशी व्यापारी हैं, उन्होंने भ्रष्ट कर दिया है, कैप्टर्ड मीन्स भ्रष्ट कर दिया है the ground, जमीन को, and it was no longer safe to traffic and improved goods to take from the stranger places. और वो अलग विचित्र जगहों से, अजनबी जगहों से goods को लाने और ले जाने में असफल है, इसलिए ये जो भूकंप है वो आ गया है. Understood? सबकी अलग अलग थिंकिंग है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है. तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, बहुत ही गुड न्यूज, मंडे से आपको स्कूल आना है. ओके? यस मैम. ओके बेटा, आपको इंफॉर्मेशन बाय मोबाइल दिया भी गया है और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो दी जाएगी. आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन. मैम गुड बाय बेटा.